रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। पुतिन लड़ाकू विमानों के साथ ईरान पहुंच सकते हैं। इस खबर ने कई देशों को परेशान कर दिया है, खास तौर पर अमेरिका को। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई है। इस हादसे में ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान की भी मौत हो गई। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर में कुल 9 लोग सवार थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन अब ईरान पहुंचने वाले हैं। और दोस्तों, वो अकेले नहीं आ रहे बल्कि अपने जहाजों यानी सुखोई जहाजों का पूरा काफिला लेकर आ रहे हैं, जिसमें SU-35 होंगे। उनके जहाजों के साथ वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ ईरान में कदम रखने वाले हैं। कल के रोज वो इब्राहिम रईसी के जनाजे में शरीक होंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि इब्राहिम रईसी समेत उनके वजीर खारजा और बहुत बड़े बड़े वजरा हेलीकॉप्टर में क्रैश हो गए थे। अब ये माना जा रहा है कि वो क्रैश नहीं था बल्कि इसराइल और भारत का मिला जुला प्लान था, जो अमेरिका की मदद से किया गया, जिसमें इब्राहिम रईसी को मार दिया गया था। क्योंकि हमेशा इसराइल भारत का इस्तेमाल करता है, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ अगर नाकाम ऑपरेशन करना हो या फिर दोस्तों ईरान के खिलाफ, हमेशा भारत उसकी कठपुतली बनता आ रहा है। लेकिन अब जो हुआ है उसने तो दोस्तों पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है कि सीधा सीधा हेड ऑफ स्टेट को ही मार दिया है। रूसी सदर ईरान आकर ये बताना चाह रहे हैं कि वो ईरान के साथ खड़े हैं और भारत और अमेरिका ने जो किया है, इसराइल ने जो किया है, वो उसे छोड़ने वाले नहीं है। दोस्तों, वो SU-35 लेकर आ रहे हैं। SU-35 जदीद तरीन 5th जनरेशन जेट हैं, जिससे वो ये बताना चाहते हैं कि वो ईरान के साथ पूरी तरह खड़े हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है और उसमें कमाकाजी ड्रोन सारे के सारे जो दे रहा है वो ईरान है। कमाकाजी ड्रोन एक सुसाइडल ड्रोन होते हैं, जो एक मिसाइल लेकर उड़ते हैं और वो अपने आप को भी तबाह करते हैं, सामने वाले को भी उड़ा देते हैं। वो दोस्तों GPS के इस्तेमाल से चलते हैं और आप GPS मतलब दुनिया के किसी कोने में भी हो, आप इंटरनेट के थ्रू उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं एक मोबाइल इंस्टॉल करके। और ईरान कमाकाजी ड्रोन में बड़ा माहिर है और दोस्तों उसने पूरी खेप बनाकर मिसाइलों समेत यूक्रेन के खिलाफ रूस को दी थी। और रूस अब इस मुश्किल घड़ी में आकर ईरान के साथ खड़ा हो गया है। पाकिस्तान तो खड़ा है, लेकिन दोस्तों भारत भी ऊपर से ये कह रहा है कि वो ईरान के साथ खड़ा है क्योंकि चाबहार है। और दोस्तों, साथ में और चीजें भी हैं। आपको बता दूं कि इब्राहिम रईसी 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान में मौजूद थे। वो पाकिस्तान, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में उन्होंने सफर किया था। दोस्तों, उस वक्त ये खबर निकल कर सामने आ रही थी कि पाकिस्तान के कहने पर इब्राहिम रईसी चाबहार को भारत से लेने वाले थे, तो इसलिए भारत के भी इंटरेस्ट था कि इब्राहिम रईसी को रास्ते से हटा दिया जाए। तो उन्होंने भी इसलिए इब्राहिम रईसी को रास्ते से हटाने के लिए उन्हें मरवाने का ही प्लान बनाया इसराइल के साथ मिलकर। दोस्तों, आपका क्या कहना है? रूसी सदर का पाकिस्तान के पड़ोस में आना, ये पाकिस्तान के लिए कितना जरूरी है? और फिर दोस्तों, ये ईरान के लिए कैसा है? इस तरह देखते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी पर भी क्लिक कीजिए। बताया जा रहा है कि पुतिन जिस विमान से ईरान पहुंचने वाले हैं, उस विमान को 4 सुखोई फाइटर जेट्स घेर कर चलेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने बड़ी संख्या में सुरक्षा गार्डों के साथ ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने का फैसला किया है। हालांकि रूसी विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। पुतिन का लड़ाकू विमानों के साथ ईरान पहुंचना इस बात को संकेत देता है कि ये मामला अब दबेगा नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में कई बड़े धमाके देखने को मिल सकते हैं। वैसे ये भी बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी ईरान जा सकते हैं। अगर रूस और भारत दोनों ही इब्राहिम रईसी के जनाजे में पहुंचते हैं, तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। रूस और भारत दोनों के ही रणनीतिक और व्यापारिक संबंध ईरान पर टिके हैं। भारत और रूस के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स ईरान पर ही निर्भर हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। भारत, रूस और ईरान इस कॉरिडोर का काम जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की मौत ने इस प्रोजेक्ट को अधर में डाल दिया है। इस कॉरिडोर से रूस और भारत को जबरदस्त फायदा मिलेगा। कॉरिडोर के तैयार होने के बाद रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से भारत के मुंबई तक सामान सिर्फ 10 दिनों में पहुंच सकेगा। इस कॉरिडोर का एक बड़ा हिस्सा ईरान से ही गुजरता है। इसके अलावा चाबहार पोर्ट को लेकर भी चिंताएं हैं। भारत चाबहार के रास्ते सीधा रूस और यूरोप तक पहुंच सकता है। ऐसे में मुश्किल घड़ी में रूस और भारत का ईरान के साथ खड़ा होना बेहद जरूरी है। खाड़ी देशों और अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए ईरान रूस के लिए बेहद खास है, तो वहीं पाकिस्तान पर नकेल कसने के लिए भी ईरान भारत की जरूरत है। मुश्किल घड़ी में भारत का ईरान के साथ खड़ा होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत में हेलीकॉप्टर 19 मई की शाम करीब 7 बजे अजरबैजान के पास लापता हो गया था और अब इस हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। इस पूरी घटना का भारत पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। ईरान भारत का मित्र देश है। कुछ दिन पहले ही ईरान ने पहली बार बड़ा कदम उठाते हुए भारत को 10 सालों के लिए चाबहार पोर्ट का मैनेजमेंट सौंप दिया था। भारत और ईरान की इस बड़ी डील ने कई देशों की नींद उड़ा दी थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस डील को ऐतिहासिक बताया था।
जानकारी के लिए बता दें कि भारत के साथ चाबहार डील साइन करने में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान ने ही सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन अब इन दोनों की ही मौत हो गई है। वैसे तो भारत को कानूनी तौर पर चाबहार पोर्ट का मैनेजमेंट मिल चुका है, लेकिन आने वाले दिनों में ईरान के अंदर और पूरे मिडल ईस्ट में जो बवाल होने वाला है उसका असर भारत और चाबहार डील पर पड़ सकता है। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत यूरोप तक व्यापार कर सकता है। भारत ने चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान से भी व्यापार शुरू कर दिया है। जिस दिन से भारत को चाबहार पोर्ट 10 सालों के लिए मिला था उसी दिन से पाकिस्तान और अमेरिका बौखला गए थे। अब आप इसे सहयोग कहिए या षड्यंत्र, लेकिन जिस अजरबैजान में ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो अजरबैजान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त है। पाकिस्तान और अजरबैजान लगातार भारत विरोधी कदम उठाते रहे हैं। इसके अलावा भारत और ईरान की चाबहार डील से अमेरिका भी इतना बौखला गया था कि अमेरिकी सरकार ने भारत को सैंक्शंस तक की धमकी दे दी थी। अमेरिका की धमकी के बाद खुद पीएम मोदी ने कहा था कि भारत किसी तीसरे देश से नहीं डरता, जो हमारे हित में होगा हम वही फैसला करेंगे। बहरहाल भारत को चाबहार पोर्ट सौंपने वाले ईरान के दो सबसे बड़े नेता अब नहीं रहे। अगर ईरान के अंदर स्थिति बिगड़ती है तो पाकिस्तान को इससे मजबूती मिल सकती है। पाकिस्तान को काबू करने के लिए ईरान भारत के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन अगर घटनाएं की हैं ईरान में सुलेमानी के साथ या डमस्कस में कुछ दिन पहले जो डिप्लोमेटिक जो उनके बिल्डिंग पे हमला किया, तो उससे शक की सुई हमेशा इसराइल और मोसाद पे जाएगा। उससे इसराइल को निकलना काफी मुश्किल होगा, लेकिन एक शक की सुई अंदर में भी है, जिसमें बताया जा रहा है कि खामेनेई जो कि वहां के सुप्रीम लीडर हैं, हमेशा आप जानते हैं कि कोई क्राइम हो। ब्रिटेन अमेरिका पर मौत की साजिश रचने का आरोप, पुतिन के करीबी शिमोन बेगोव का बड़ा दावा, रईसी की मौत में इसराइल या तुर्की का भी हाथ, यूएस हेलीकॉप्टर बेल 212 में उड़ान से पहले छेड़छाड़, बड़ी खबर सीधा ये राहुल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, रईसी की मौत में पश्चिमी देशों का हाथ, ब्रेकिंग और शॉट, ब्रिटेन अमेरिका पर मौत की साजिश रचने का आरोप, ये देखिए जरा जिन्होंने ये आरोप लगाया उनके भी शॉट दिखाइए, ये देखिए पुतिन के करीबी शिमोन पेगोव का बड़ा दावा, रईसी की मौत में इसराइल या तुर्की का भी हाथ, यूएस हेलीकॉप्टर बेल 212 में उड़ान, हत्या की साजिश, ये देखिए जरा थ्योरी नंबर वन जो हमारे पास जानकारी आ रही है। पहले फ्लोर देखिए, अब आप सिर्फ फ्लोर रखिएगा, हेलीकॉप्टर के रेडियो सिग्नल सिस्टम ने काम नहीं किया, हेलीकॉप्टर में ट्रांसपॉन्डर स्विच बदा बंद था या हटाया गया, ये दावा किया है तुर्की के अधिकारी ने। दूसरी थ्योरी ये देखिए, 19 मई का सैटेलाइट वेदर डेटा हटा दिया गया, हादसे से पहले सैटेलाइट कनेक्शन डेटा काटा गया, ये दावा है बिल एलमोर का। तीसरी थ्योरी, रईसी की मौत के पीछे अमेरिका ब्रिटेन की साजिश, यूएस हेलीकॉप्टर बेल 212 में जानबूझकर छेड़छाड़ की गई, यह दावा शिमोन पेगोव का। चौथी थ्योरी, हेलीकॉप्टर के पायलट का क्रैश होना, क्रैश में हाथ होने का शक, बाकी दो हेलीकॉप्टर बचे, सिर्फ रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश। पांचवी थ्योरी, खामेनेई के बेटे मुजदाबा का हेलीकॉप्टर क्रैश में हाथ, खामेनेई के उत्तराधिकारी बनने की जंग। छठी थ्योरी, ईरान के अलगाववादी ग्रुप की साजिश, ईरान के अलगाववादी जैश अल अदल ग्रुप का हाथ, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की बात बताई जा रही है। राहुल अब जरा ब्रेकिंग और शॉट के साथ बगल में पहले वाली जो ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जो सारी थ्योरी एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं। थ्योरी नंबर वन, हेलीकॉप्टर के रेडियो सिग्नल सिस्टम ने काम नहीं किया। थ्योरी नंबर टू, राहुल सीधा आइए थ्योरी नंबर टू दिखाइए जो हमारे सामने जानकारी आ रही है, वो ये देखिए थ्योरी नंबर टू, पहला कि हेलीकॉप्टर से सिग्नल नहीं, फिर जो डेटा रिकॉर्डर है सैटेलाइट वेदर डेटा हटा दिया गया, दूसरी थ्योरी है। तीसरी थ्योरी, रईसी की मौत के पीछे अमेरिका ब्रिटेन की साजिश, यूएस हेलीकॉप्टर बेल 212 में जानबूझकर छेड़छाड़। तीस चौथी थ्योरी, हेलीकॉप्टर के पायलट का क्रैश में हाथ होने का शक। पांचवी थ्योरी जो है, खामेनेई के बेटे मुजदाबा का हेलीकॉप्टर क्रैश में हाथ। छठी थ्योरी, पीछे स्काई करना था। छठी थ्योरी, ईरान के अलगाववादी ग्रुप की साजिश, ये जानकारी आ रही है। सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, आपने जहां से अपने थॉट को छोड़ा था, पिक इट अप फ्रॉम देयर सर, क्या कहेंगे आप? देखिए मैं कहना यह चाह रहा था निशांत कि कोई भी मर्डर होता है, असैसिनेशन होता है, तो उसकी जांच जब जज करते हैं या जज के माध्यम से जो पुलिस करती है तो मोटिव जानने की कोशिश करती है, इससे फायदा किसको होने वाला था। तो इसमें सीधा लगता है कि फायदा या तो इसराइल को होने वाला था या अमेरिका ब्रिटेन, जिसकी बात कर रहे हैं। और जो जो दूसरा मोटिव होता है कि अगर कोई इंटरनल पावर स्ट्रगल है, कि चूंकि जो जो अभी रईसी थे उनका वहां पे और सुप्रीम लीडर के रूप में खामेनेई के जाने के बाद उनके बनने की संभावना थी, तो अब वो रास्ता क्लियर हो गया है।